महाराष्ट्र में अब महाविकास अघाड़ी का टूटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना सावरकर का अपमान नहीं सह सकती, जबकि कांग्रेस सावरकर का हमेशा से अपमान करती रही है। वीर सावरकर के पोते ने शिवसेना को सलाह दी है कि राहुल गांधी की जमकर पिटाई हो। राहुल के बयान पर वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी आपत्ति जताई है। रंजीत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से दिवंगत हिंदू नायक का अपमान करने के लिए राहुल गांधी की सार्वजनिक रूप से पिटाई करने की अपील की है। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनका बयान याद दिलाया, जिसमें उद्धव ने कहा था कि वीर सावरकर का अपमान करने वाले को सार्वजनिक तौर पर चौराहे पर पिटाई की जानी चाहिए। रंजीत ने आगे यह भी कहा कि राहुल गांधी मेरे दादा पर अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि यह सरासर गलत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी का नाम सावरकर नहीं है, नहीं तो हमें शर्म से मुंह छिपाना पड़ता। रंजीत सावरकर ने कहा कि उन्हें अपनी दादी इंदिरा गांधी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने नाम से नेहरू हटा लिया। पहले उनका नाम इंदिरा गांधी नेहरू था, फिर उन्होंने नेहरू शब्द हटा दिया, क्योंकि अगर नेहरू शब्द इनके नाम में रहता तो आज लोग इन्हें गुलामों के वंशज कहते। उन्होंने शिवसेना सरकार को सलाह दी है कि राहुल के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे अपने मंत्रिमंडल से कांग्रेस के मंत्रियों को बर्खास्त करें और अल्पमत की सरकार चलाएं, क्योंकि बीजेपी उनकी सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेगी बल्कि साथ देगी। हालांकि अब सावरकर पर शिवसेना का क्या रुख रहता है ये तो जल्द साफ हो जाएगा, क्योंकि ये वही शिवसेना है जो सत्ता के लालच में कांग्रेस के साथ जा मिली, जो हमेशा से हिंदू और मुसलमानों पर राजनीति करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।